नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी। नवादा लोकसभा सीट के लिए 9 नामांकन रद्द। कक्षा 6 से 7वीं तक के सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी। दवाओं की कीमत में 20% की हुई बढ़ोतरी। मयंक यादव ने IPL 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकने का बनाया रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम जारी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। BSEB अध्यक्ष आनंद कसो ने रिजल्ट की घोषणा की है। वेबसाइट https://biharboardonline.com और https://secondary.biharboardonline.com पर परीक्षार्थी परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद कसोर ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि 31 मार्च तक 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अब 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि होली को लेकर परीक्षा परिणाम आने में थोड़ी देरी हुई है। वहीं अगर होली का त्यौहार नहीं होता तो पहले ही परीक्षा परिणामों की घोषणा हो सकती थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पहले ही टॉपर्स का वेरिफिकेशन कार्य पूरा हो चुका था। करीब 15 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक के एग्जाम में शामिल हुए थे। इसके बाद अब परीक्षा के नाम को जारी कर दिया गया है। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक परीक्षा का आयोजन हुआ था। दवाओं की कीमत में 20% तक की हुई बढ़ोतरी। दवाओं की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में एक बार फिर से दवाओं की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार 1.5 महीने पहले ही दवा की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद एक बार फिर से दवाओं के दाम में बढ़ चुके हैं। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को दवा खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 अप्रैल से नई कीमत लागू कर दी जाएगी। एनुअल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में बदलाव हुआ है। इस कारण 10-20% तक दवाओं का रेट बढ़ाया गया है। पटना में आज से 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन। बिहार में 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बिहार में 500 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले इसका आयोजन किया गया है। आज से लेकर ये मुकाबला 3 अप्रैल तक चलेगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसके लिए खास तैयारी की गई है। 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कई स्टार खिलाड़ी दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं, जिसमें पटना के पायरेट्स के कप्तान सचिन तनवर भी शामिल होंगे। मानव बल के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर परासर। मानव बल के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर असर पड़ रहा है। यहाँ आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, इस कारण आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि राज्य भर से आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 साल तक के बच्चों के लिए उनका आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन मानव बल नहीं होने के कारण ये काम हो ही नहीं पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड सरकार के द्वारा बनाया जाता है। UIDAI इसके लिए हैंड होल्डिंग करता है। वहीं फिलहाल करीब 534 प्रखंडों में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 पर ही बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का काम किया जा रहा है। नवादा लोकसभा सीट के लिए 9 नामांकन रद्द। नवादा लोकसभा सीट के लिए 9 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं केवल 8 नामांकन ही सही हैं। नामांकन पत्रों की जांच में 8 उम्मीदवारों के ही पर्चे सही पाए गए हैं। अन्य नामांकन को रद्द कर दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर, राजद प्रत्याशी श्रवण कुमार, निर्दलीय विनोद यादव, निर्दलीय गुंजन कुमार सिंह के अलावे गौतम कुमार बबलू, भागीदारी पार्टी पी गनौरी पंडित, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रंजीत कुमार, बहुजन समाज पार्टी और भारत जन जागरण दल आनंद कुमार वर्मा चुनावी मैदान में है। 17 अप्रैल को प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। कक्षा 6 से 7वीं तक के सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने कक्षा 6 से 7वीं तक के सक्षमता परीक्षा का परिणाम का अर्पण कर दिया है। https://www.bsebsakshamta.com/login पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से परीक्षा के परिणाम को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए करीब 23,873 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी। अलग अलग विषय के लिए शिक्षकों के ने एग्जाम दिया था। इसमें से 22,971 टीचर को एग्जाम में सफलता मिली है। पासिंग परसेंटेज 96.10% है। वहीं 932 शिक्षक परीक्षा में असफल हुए हैं।
पटना हाई कोर्ट के अनुसार पति या पत्नी को भूत पिशाच कहना नहीं है क्रूरता। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि पति या पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। असंतोष के कारण एक दूसरे से अलग रह रहे जोड़े अगर एक दूसरे के लिए खराब भाषा का इस्तेमाल कर भूत पिशाच का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बातें कही है। पिता पुत्र ने नरेश गुप्ता की तलाकशुदा पत्नी की ओर से अपने मूल निवास स्थान नवादा की में दायर एक शिकायत पर नालंदा जिले की अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। तलाकशुदा महिला ने कहा था कि उसके ससुराल वालों द्वारा भूत और पिशाच कहना अत्यधिक क्रूरता का रूप है। हालांकि अदालत ने कहा है कि वो इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है। संपत्ति कर जमा करने का आज अंतिम दिन। संपत्ति कर जमा करने का आज अंतिम दिन है। वहीं अगर आज के दिन कोई संपत्ति का कर भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया राशि का भुगतान करने पर 1.5% के जुर्माने का भुगतान करना होगा। इस वजह से पटना नगर निगम के द्वारा सभी अंचल कार्यालय, इनकम टैक्स और बोरिंग रोड स्थित कार्यालय को खोला गया है। निगम के अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर टैक्स को वसूलने का काम किया जा रहा है। इस बार निगम के द्वारा 155 करोड़ से लेकर 160 करोड़ के टैक्स वसूली की बात कही जा रही है। वहीं टैक्स के भुगतान नहीं होने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनता हमारी मालिक है और हम यही चाहते हैं कि वो अपने मतदान से बीजेपी को चोट करे। सरकार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता है कि उनके सामने कोई खड़ा होकर सवाल भी करे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं और उन्हें 150 सीट भी चुनाव में नहीं मिलने वाले हैं। बीजेपी नेताओं को क्लीन चिट दिया जा रहा है। वहीं दूसरे दल से बीजेपी में शामिल होने वालों को भी क्लीन चिट दिया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 75 सीटों पर ईवीसी को लड़ाने का की घोषणा। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 75 सीटों पर ईवीसी को लड़ाने की घोषणा की। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 75 सीटों पर ईवीसी को लड़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर जन सुराज पार्टी बन जाती है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को मौका दिया जाएगा। पीके ने इस दौरान पिछड़ा और अति पिछड़ा बच्चों को पढ़ाने का आग्रह भी किया है। जन सुराज के संस्थापक ने कहा है कि सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों का हक मारा है। सरकार पिछड़ों की बात करके सिर्फ पिछड़ों का वोट लेती है। बिहार में आज सबसे गरीब बच्चे अति पिछड़े समाज से ही आते हैं। गरीबी और भुखमरी में सरकार को सत्ता में भागीदारी मिली है। बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने अश्विनी चौबे को लेकर कही ये बात। ईटीवी के साक्षात्कार में बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने अश्विनी चौबे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अश्विनी चौबे के सिफारिश पर मुझे बक्सर से टिकट मिला है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं। बिना उनकी सिफारिश के हमें बक्सर से टिकट नहीं मिल सकता था। उनसे पूछने के बाद ही मुझे टिकट मिला होगा। अचानक ही फैसला पार्टी अश्विनी चौबे के राय के बाद ही ले सकती है। अश्विनी चौबे से हमारा 30 सालों से संबंध है और हम उनके छोटे भाई हैं। हम लोगों ने एक लंबी यात्रा को तय किया है। मैं लंबे समय से पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। बक्सर से जिसे भी उम्मीदवारी मिले वो भाग्यशाली होता है। बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पोस्टर में अश्विनी चौबे को नहीं मिली जगह। बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पोस्टर में बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे को जगह नहीं दी गई है। इससे बक्सर सांसद अश्विनी चौबे के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर इसे लेकर विपक्ष के नेता भाजपा पे हमलावर हैं। आपको बता दें कि बक्सर की लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। दरअसल बक्सर पहुंचे एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का कार्यकर्ता ने जमकर स्वागत किया है। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता गायब रहे। कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर में बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले के छोटे मोटे उम्मीदवार नजर आ रहे थे, लेकिन अश्विनी चौबे की तस्वीर पोस्टर में नहीं थी। इस पर कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी खेला होगा। अश्विनी चौबे ने बक्सर को लूटा है, उनका चेला कंगाल कर देगा। समस्तीपुर से टिकट मिलने के बाद मंत्री अशोक चौधरी से उनकी बेटी ने की मुलाकात। समस्तीपुर से टिकट मिलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से उनकी बेटी ने मुलाकात की है। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने समस्तीपुर से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद सांभवी काफी खुश नजर आई। उन्होंने अपने पिता को गले लगा लिया, वो काफी भावुक भी हो गए। इसके बाद पिता अशोक चौधरी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम रो क्यों रही हो, ये तो तुम्हारा सपना था। जमुई से टिकट मिलने के बाद पिता ने सांभवी को बधाई देते हुए कहा कि समस्तीपुर की जनता तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा।
जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने राजद नेता रितु जायसवाल पर साधा निशाना। शिवहर से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने राजद नेता रितु जायसवाल पर निशाना साधा है। लवली आनंद ने कहा है कि उन पर आरोप लगाकर टिकट लेना उचित नहीं है। उनके पति आनंद मोहन को शिवहर की जनता ने 2 बार वोट देकर जिताया है, वहीं तीसरी बार मात्र 900 वोटों से हराया गया था। लवली आनंद ने कहा है कि वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती है, बिना किसी की पृष्ठभूमि को जाने बिना टिककर टिप्पणी करना सही नहीं है। लवली आनंद ने कहा है कि ऐसा कैसे कह दिया गया कि शिवहर के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, हम तो शिवहर के लोग के दिल में बसते हैं, शिवहर के लोग हमारे दिल में बसते हैं। इस बात को शिवहर की महान जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे शिवहर की जनता ने हमारे बेटे चेतन आनंद को 40,000 वोटों से जिताया है। मयंक आनंद ने आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकने का बनाया रिकॉर्ड। मयंक यादव ने आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पंजाब के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दूसरे ओवर में 155.8 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी है। ये इस सीजन की सबसे तेज गेंद रही। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के नंद्रे बारगर को पछाड़ दिया है। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है। इसके साथ ही अपने टीम को जीत दिलाने में खास योगदान दिया है। मयंक यादव के बारे में बता दें कि इन्हें आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम ने खरीदा था। मयंक तेज गेंदबाज के रूप में ही जाने जाते हैं। मालूम हो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 में भी मयंक यादव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। टूर्नामेंट के बाद मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रामधर रॉय, राकेश मिश्रा, अनीसा कुमारी, राज किशोर महतो, रितु, दीपक कुमार, कुश कुमार यादव, सुदामा चौधरी, वेद प्रकाश सिंह, प्रियांशु कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में गर्मी की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।